और उसने कहा मैं मेरे साथ भी ऐसे सो मेरा केस थोड़ा सा डिफरेंट था. डिफरेंस ये थी कि मेरा बेटा वाज अ प्रेशियस बेबी. उनसे पहले मेरे दो मिसकैरेजेस हो चुके थे और वो उस लेवल वाले पे थे कि वो प्रॉपर यू नो मेरी सर्जरी करनी पड़ी थी. डीएनसी थी, प्रॉपर डीएनसी आपकी होती थी. और वो कौन से वीक में जाके होती थी? फर्स्ट वाज 3 मंथ्स, सेकंड वाज 3.5-4 महीना. यानी कि पूरा एक तरीके से आप एक ट्राइमेस्टर गुजारती थी. हाँ. सो और because I got married very very early, तो मेरा first baby, we made the first child when I was मतलब हम 7 साल हो चुके थे हमारी शादी को. We took our precious time, you know, to decide the child कि चलो अब हम you know finally we are ready for it. And I am a person, मुझे बच्चे बहुत पसंद है. मिनहाज likes kids, but वो वाला है कि हाँ 10 मिनट खेल लिया उसके बाद ऐसे थोड़ा break चाहिए. I was the one के हाँ पड़ोसी के बच्चे, मासी के बच्चे, जिसके भी बच्चे प्यारे हैं, बस प्यारे. तो मेरी 2 DNCs हो चुकी थी. उसके बाद जब फाइनली नाइल वाली मेरी प्रेगनेंसी हुई, तो मेरी तो बिल्कुल बस यही थी कि या अल्लाह बस ये 4 महीने से आगे मैं चली जाऊँ तो बस सब सही है. तो उस जमाने में फिर जो मेरी गायनेकोलॉजिस्ट थी, आई वॉज ऑन हैवी ड्रग्स यू नो जस्ट टू सस्टेन द प्रेगनेंसी. वो सारा कुछ हुआ, फिर मेरी बड़ी स्मूथ चलने लगी. जो खाऊं जो पीऊं, एक 40 kg की औरत. अच्छा, जो है वो 76 kg पे पहुंची. ये जो 4 महीने जो आपने गुजारे सना, फिर आपने किसी को बताया? क्योंकि यूजुअली होता ना कि जी अब मेरे लोगों को बताऊंगी ना, मतलब बिल्कुल. मैंने 5th मंथ तक किसी को नहीं बताया. 5th मंथ तक किसी को नहीं बताया, क्योंकि मैं इतनी पैरानॉइड हो गई थी और मेरा नजर पे बड़ा यकीन है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. नजर पे बहुत ज्यादा है मेरा. तो मैंने अपनी सास को, अम्मी और मदर इन लॉ को पता था, लेकिन बाकी फैमिली में मैंने किसी को नहीं बताया था कि यू नो I was expecting, क्योंकि दो मेरे साथ हादसे हो चुके हुए थे. एंड आपको तो सेफ टाइम गुजर जाए फिर. हाँ जी. तो और डीएनसी के बाद हुई थी मुझे एंजाइटी, डिप्रेशन भी हुई थी, लेकिन वो उस लेवल की नहीं हुई जो मुझे आफ्टर नाइल हुई. खैर, उसके बाद मेरा थर्ड ट्राइमेस्टर वगैरह ख़त्म हुआ. सुबह कोई फजर का वक्त था, माई वाटर ब्रोक विदाउट एनी पेन. पहले मुझे लगा यार ये क्या हो गया. आई वेंट एंड आई टुक शावर. फिर मैं आई तो फिर मुझे लगा कि यू नो वाटर वॉज गशिंग. देन आई वोक माई हस्बैंड अप. मैंने कहा मिनाज कुछ गड़बड़ है, मुझे लगता है इट्स टाइम. वेंट टू द हॉस्पिटल 12:30-1 बजे को ही. फजर में वाटर ब्रोक, 12:30-1 बजे माई गायनेकोलॉजिस्ट केम. और उसके बाद वो मुझे आर्टिफिशियल पेन देने शुरू किए, उस पर भी कुछ नहीं हुआ. फिर अब हमें करनी पड़ेगी क्योंकि बच्चे की हार्ट बीट जा रही है. तो उन्होंने जाहिर है पूरा तो बेहोश नहीं करते, अब उन्होंने सर्जरी की. अब बच्चा निकला वो ही वाज ब्लू. मैंने देखा, मैंने कहा या अल्लाह ये क्या हो गया. मतलब मैं तो आई एट वेल, सब कुछ बिल्कुल छोटा सा लंबा लेकिन सूखा बच्चा और नीले रंग का. मैंने वही रोना शुरू कर दिया. मैंने कहा डॉक्टर ये हुआ क्या है. जाहिर है पहला बच्चा आपको नहीं पता होता कि हाँ जी ऑक्सीजन लेवल्स कम है तो बच्चा ब्लू हो सकता है. खैर, ये सारा हुआ. देन उस वक्त मैंने कहा कि इसको ले जाओ मेरे पास से, आई डोंट वांट टू सी हिम. तो मैंने बच्चा भेज दिया. मैंने कहा आप इसको नर्सरी में लेके जाएं, जो भी करना है, मैं जब कमरे में जाऊँगी तब मुझे बच्चा दिखाना. उस वक्त दिस टेस्ट मी एंड एवरीथिंग. चांद रात थी जिस दिन आज पैदा हुआ है. तो अगले दिन जाहिर है डॉक्टर्स ने नहीं आना था, तो उन्होंने कहा फ़ायदा नहीं रखने का, स्टिचेस तो लग गए हैं, सारा कुछ हो गया है. रात को फिर जब थोड़ी देर बाद मेरे पास बेबी आया तो ही वॉज वेरी क्यूट. अरे जैसे माँ और सास होती हैं, उनका गर्म कपड़े पहनाओ, जुलाई का बच्चा, गर्म कपड़े पहनाओ, गर्म कपड़े पहनाओ, बच्चे को ठंड लगती है, ये वो. अगले दिन ईद, हम घर आ गए, बच्चे को वैसे ही हमने कवर किया हुआ है जानवरों की तरह, कंबल भी उड़ा दो, मोटे कपड़े भी पहना दो, मिटन्स भी पहना दो, मुंह नोचेगा, सॉक्स भी पहना दो. हाँ, मैं इस बात को यहीं से कैरी करूंगी. मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है. मैं छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आने को हिम्मत आएगी. जी तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. ब्रेक के बाद हमें वलिया ने भी अभी ज्वाइन किया है. वलिया मुगिल जो हैं ये साइकेट्रिस्ट भी हैं. और किस तरीके से हेल्प की जा सकती है, क्योंकि हेल्प मांगना बहुत ज़रा ज़रूरी है. जब भी जी हेल्प मांगना और एक्सेप्टेबिलिटी, मतलब आपको भी पता होना चाहिए कि हाँ भाई ये इशू है. कोई हेल्प मांगे तो सुने, बजाय बताएं कि भी हम पे भी हुआ था. नहीं, सुनना इज वेरी ज़रूरी. तो हम बात सुन रहे थे सना की, और सना बता रही थी कि जब इनका बेटा हुआ था, द वेरी नेक्स्ट डे जब आप वापस आ गई थी, तो जुलाई का महीना, लोगों को ये लग रहा होता है कि हाँ बच्चे को बस लपेट दें, हम लपेट दें, पता तो नहीं. उस बेचारे को जी मिटन्स भी पहना दिए, सॉक्स भी पहना दिए. थोड़ी देर बाद आई रियलाइज कि उसके ना रैशेज होने शुरू हुए,
और वो सिर्फ रैशेज नहीं थे, घमोरियाँ एक चीज होती है जो गर्मियों में लू जब चलती है ना तो छोटे छोटे दाने, उस बच्चे के मुंह पे होना शुरू हुआ, उसकी पूरी बॉडी में होना शुरू हुआ. एंड देन वो वैसे भी कोई इतना हेल्दी बेबी नहीं था, लेकिन बच्चा जब पैदा होता है तो उसमें एक स्वेलिंग होती है. वो अगले दिन जब स्वेलिंग निकली ना तो वो कोई छोटी सी एक चीज हो गई, एक लाल रंग की छोटी सी चीज हो गई. और मैं देखूं, अच्छा मुझे सबने कहा बच्चे को शावर देना है, आई फॉरगॉट कि मेरे स्टिचेस लगे हुए हैं. मैं जमीन पे बैठी क्योंकि वो अम्मी ने सिखाया था बाती औरत सना तो पैरों पे बच्चे को लिटा के आपने शावर देना है. जब मैं खड़ी हुई हूँ तो मेरे सारे टांके यूं खुल गए. एंड देन ईआर गई मैं टू गेट माय स्टिचेस सना, बट यू या आपको किसी ने मतलब मना नहीं किया कि सना मत बैठो, मत ऐसे नहीं इसको नहलाना, हम नहला देते हैं. जब फर्स्ट टाइम मदर होते हैं ना तो आपको लगता है कि आप कोई डॉक्टर के बच्चे हैं, आपको सब पता है, आपको इनकी जरूरत नहीं है. और अम्मी तो ओल्ड फैशन अम्मी है, सास सास तो एवी बोली इनको क्या पता, इन्होंने तो 1908 में बच्चे पैदा किए थे, इन्हें क्या पता. अच्छा At that point of time, my mother-in-law was like, बेटा तुम ना करना. मैंने कहा नहीं नहीं मेरा बच्चा है, किसी और की responsibility नहीं है, मैं करूँगी. वो जी टांके खुल गए. ईद वाले दिन हम यार भागे, लग गया टांके, सारा कुछ हो गया. Second day of ईद, बच्चा अजीब सा, उसकी शक्ल ख़राब बिल्कुल. किसी ने ये नहीं कहा कि जी उसके अब कपड़े उतारे दें. फिर यार भागी, उसको मिटन वगैरह सारे वैसे पहनाए, वैसे पहनाए हुए, क्योंकि बच्चे के नाखून होते हैं ना तो वो अपना मुंह नोच लेगा. तो वो तो सारी वालदाओं ने कहा कि जी इसको आप मिटन्स पहनाएं बच्चे को, सॉक्स, बच्चे को ठंड लगती है. सेकेंड डे ऑफ ईद अगेन यार, क्योंकि बच्चे की हालत अजीब, वो गर्म स्किन नहीं हो जाती आपकी, गर्मी से हीट आपकी स्किन पे आ जाती है. तो मुझे वहाँ पे जो इमरजेंसी में डॉक्टर थे उन्होंने कहा आपका दिमाग खराब है. मैंने कहा क्या हुआ, कहते वो किस इंसान ने कहा है कि इतना लपेट के रखना है, इसको नंगा करें आप, इसको खोलें. खैर फिर अल्लाह करके उसको जी है वो उतने छोटे बच्चे को हमने हाइड्रोकोर्टिजोन की जो क्रीम्स होती हैं वो लगानी पड़ी, क्योंकि वो उसकी इतनी बुरी कंडीशन थी, इतने बुरे रैशेज और घमोरी दाने ये वो. खैर उसके बाद जी मैं ग्रूव में आना शुरू हुई कि नहीं यार आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ. गोंद गोंद खाऊंगी तो मोटी हो जाऊंगी, पंजीरियाँ तो खाऊंगी नहीं. उसके बाद नेक्स्ट वाज के जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हम माओं को नहीं सिखाते और हमारे पास बड़े महदूद डॉक्टर्स हैं उसके, कि बच्चे को दूध कैसे पिलाना है. आप ऊपर से सीख के नहीं आते कि बच्चे को लैच कैसे करना है. और उसके हमारे पास हार्डली एनी डॉक्टर्स हैं पाकिस्तान में, एक बड़ा अस्पताल आ खान में उन्होंने तीन दिन हम रहे ना हॉस्पिटल में सना. For all the mothers, जो माएँ बन रही हैं, आप जो हॉस्पिटल में जिस टाइम पे है ना उसमें आप ये नहीं करें कि बच्चा नर्सरी में और आप रिलैक्स करें, आप बिल्कुल रिकवर करें बच्चे को. अगर आप मदर फीडिंग मदर हैं, इतनी अच्छी नर्स और जो जो टेक्निक्स उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बताया, मेरे लिए वो बेस्ट था बिल्कुल. वरना मेरी वो स्ट्रगल ना कोई 6 गुना ज्यादा होती और मेरा वो डिप्रेशन, क्योंकि जब बच्चा नहीं माँ से वो कर रहा होता, मतलब कि बाबा भी गए बच्चा तो आया, मैं कैसे आया और मैं तो अच्छी माँ नहीं. ये दुनिया में आपके लैक्टेशन डॉक्टर्स होते हैं, एक्सेप्ट प्रॉपर क्लिनिक्स आवर कंट्री. अब आप बच्चे को देख रहे हैं, आपने कैसे क्या करना है, आपको समझना है. दैट वाज माय ब्रेकिंग पॉइंट. आई यूज्ड टू क्राई, बच्चा ना खाए, बच्चा ना पिलाऊं कैसे. वो रोए, उसका जाहिर है पेट ही नहीं भरा, तो वो बच्चा रोता था. फिर सबने कहा टॉफी दे दो, टॉफी दे दो. अच्छा आपके जहन में ये भी बिठा दिया हुआ होता है बड़े बुजुर्ग ने कि नहीं माँ पिलाएगी दूध. हाँ, टॉफी देने वाली तो अच्छी माँ नहीं होती, पाउडर वाले डब्बे में तो जान ही नहीं होती, बच्चे की तो इम्यूनिटी नहीं बनेगी. खैर ये स्टार्ट हुआ. अच्छा इस पॉइंट तक मैं उस लेवल पे आ चुकी हुई थी, नेगेटिविटी मेरी माँ से स्टार्ट हुई थी कि मैंने किसी की नहीं सुनी, इट्स माय चाइल्ड, आई विल डिसाइड व्हाट आई हैव टू डू विद हिम. इस तरह रूटीन. अच्छा मेरे बेटे का सबसे अच्छी मेरी प्लस पॉइंट थी कि वो रात को सोता था, रात नहीं जगाता था वो मुझे. मेरी जो लाइफस्टाइल थी बिफोर माय सन वाज कि मैं पूरी रात जागती थी. आई यूज टू प्ले कार्ड्स, स्क्रैबल खेलने पूरी पूरी रात. दो दो दिन हो जाते थे मैं और मिनाज घर नहीं जाते थे, क्यों पत्ते खेलने यार मजा आ रहा है, चलो चेस की वो हो जाए. तो वो अचानक से ये हुआ कि मेरी जिंदगी में एक रूटीन बन गई. ये बड़े बहुत अकलमंदी की बात करते हैं, जब बच्चा सोए आप भी सो जाए, लेकिन नहीं हम तो एक्साइटेड हैं. तो ये सारा होता रहा, वो मेरे अंदर बिल्डअप होता रहा. अच्छा बाय द वे मुझे उस वक्त पोस्टपार्टम डिप्रेशन का लफ्ज नहीं पता था जब मुझे हुआ.
आई डिडंट नो व्हाट दैट वाज क्योंकि पेरेंट्स को नहीं पता होता मेरे माँ बाप को पाकिस्तान में किसी को होता नहीं है सना एंड इवन माय हस्बैंड में ये सिर्फ अमेरिका में होता है बिकॉज़ यहां पे नहीं होता ये अमीरों के मसले हैं हमारे गरीबों के मसले फिर मैंने रियलाइज किया कि मैं हर वक्त ना रोती रहती थी स्टार्टेड क्राइंग फॉर नो गुड रीजन बैठी हुई रो रही हूँ मैंने आज थी क्या हो गया क्या तकलीफ है समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है मेरे बेटे की थर्ड मंथ की अपॉइंटमेंट थी और मेरी गायनेकोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट थी तो मैं अपनी वालदा को भी ले गई साथ में मेरी अम्मी ने कहा कि मुझे ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है इन माई राइट ब्रेस्ट मैंने कहा चले मैं